दोस्तों इस दुनिया में कुछ ऐसे खतरनाक सड़कें हैं जिस पर ड्राइविंग करना तो दूर की बात है, लोग उस पर ठीक से चल नहीं पाते। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम दुनिया के 5 सबसे खतरनाक सड़कों के बारे में जानने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, क्लिफ पाथ चीन। पश्चिमी चीन के ग्लुकोन गांव के बच्चे एक स्कूल में पढ़ने के लिए इस खतरनाक रास्ते से होकर जाते हैं। यह 5000 फीट लंबा रास्ता चट्टान पर बना है, जिसे क्लिफ पाथ के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि हाल ही में यह रास्ता काफी चर्चे में रहा है। नंबर 2, द क्लिफ ऑफ मदर आयरलैंड। दोस्तों अटलांटिक सागर से 700 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ यह रास्ता डुलिन कस्बे के पास है। आपको बता दें कि यहां पर बहुत से लोग साहसी अभियान के लिए आते हैं और इस रास्ते को मौत के मुंह में कूदने से ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। नंबर 3, एल कैमिनेटो डेल रे, स्पेन। दोस्तों यह रास्ता स्पेन के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है और इसका निर्माण 1905 ईस्वी में किया गया था। आपको बता दें कि इस रास्ते को 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में काम करने वाले मजदूरों के लिए आने जाने के लिए बनाया गया था। एल कैमिनेटो डेल रे को सन 2000 ईस्वी में इसलिए बंद कर दिया क्योंकि यहाँ पर घूमने आए लोगों में से 2 लोगों की मौत यहाँ से गिरकर हो गई थी। आपको बता दें कि इस रास्ते को किंग पाथवे के नाम से भी जाना जाता है और इसे दुनिया के सबसे खतरनाक रास्तों में से एक माना जाता है। नंबर 4, रोच वायरांस, फ्रांस। दोस्तों फ्रांस में 120 ऐसे रास्ते हैं जो बेहद सीधे से आगे जाकर बेहद कठिन में बदल जाता है। इसका सीधा सा उदाहरण रोच वायरांस है। आपको बता दें कि यह रास्ता फ्रांस के अल्फ रीजन सेंट पियरे डी माल्ट में स्थित है और इस रास्ते पे चलना हर किसी की बस की बात नहीं है। नंबर 5, एबेनाल्ब पाथ, स्विट्जरलैंड। दरअसल एल्बेनाल पर एक ऐतिहासिक गुफा की यात्रा के लिए यह रास्ता बना हुआ है। आपको बता दें कि एल्बेनाल माउंट स्टेशन से इस रास्ते की दूरी महज 20 मिनट की है और यह रास्ता खूबसूरत तो है ही, साथ ही खतरनाक भी है। तो दोस्तों आपको इन 5 रास्तों में से सबसे खतरनाक रास्ता कौन सा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।